ठीक से देखो मैं प्यार से मेन बात जब इस चैप्टर में ही इसको जानना है आर्या बताओ डिफरेंशिएशन क्या चीज बताता है डिफरेंशिएशन अगर कोई फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या बताएगा वो क्या बताएगा स्लोप बताता है जब हम कोई फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बताता है वो उसका एरिया बताता है जब हम कोई फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे ना तो एरिया बताएगा हमको कितना एरिया चाहिए ना उसका हम लिमिट लेंगे क्या लेंगे हम लोग लिमिट लेंगे जितना लिमिट लेंगे उतना ही पोर्शन का हमका मेरा एरिया बताएगा ना जैसे उस डायग्राम देखो मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है ना उसका हम ग्राफ बनाए इस टाइप से जब ग्राफ किस तरह बनाए ग्राफ बनाए इधर से कोई ना कोई विस्तार ग्राफ बन गया और हम चाहते हैं कि इतना पोर्शन का एरिया निकल जाएंगे है ना यहाँ से ये है यहाँ क्या बोले तो इस पोर्शन का मेरा एरिया फाइंड करना चाहते हैं ये पोर्शन का हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं और इस ग्राफ क्या बोले तो एफ एक्स का ग्राफ है ना इसका एरिया अगर निकालना चाहिए ना एरिया इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स और ए से बी जो भी हम फंक्शन लिए हैं उसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसके नीचे का एरिया बताएगा कहाँ का बोलो तो नीचे का ऊपर का नहीं नीचे का बताएगा नो और एक से चीज तक कितना का बोलो तो एक से चीज तक ए और बी लिमिट हम कहाँ तक लिए ए बी तक तो ए बी के अंदर का एरिया बताएगा नो अगर हम नहीं हम थोड़ा सा बड़ा लेना चाहते हैं यहाँ तक है ना यहाँ तक तो ये पार्ट होगा पूरा यहाँ से ए से कहाँ तक बोलो तो ए से सी अगर लिमिट नहीं है तो ए से सी तक का नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा मतलब इंटीग्रेट किए हम उसको नीचे का पूरा एरिया आ गया और जितना हम लिमिट लेंगे उसका एरिया बताएगा मेरा क्लियर है और लिमिट नहीं लेंगे तो पूरा एरिया डिनोट करेगा लेकिन फंक्शन के फॉर्म में लेकिन वो फंक्शन के फॉर्म में क्लियर है ना देखो दूसरा देखो इस टाइप से रहेगा अगर तो क्या करेंगे मान लो दो फंक्शन एक ऐसा है और एक क्या तो ऐसा ये फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स अरे फंक्शन क्या बोल दो यहाँ पे इस तरह से है ए और क्या बोल दो बी और बी हमको इसका एरिया निकालना है ये पोर्शन का एरिया हमको फाइंड करना है एरिया कैसे निकलेगा एरिया इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे ए से बी और एफ एक्स लेंगे क्या लेंगे हम लोग एफ एक्स लेंगे ना तो एफ एक्स के नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा एफ एक्स के नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा हमको देख गया इसके चाहिए ना एफ एक्स के नीचे पूरा एरिया आ गया हम जी एक्स लेंगे क्या लेंगे बोलो तो जी एक्स के नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा है ना यहाँ पर देखो ए से बी और जी एक्स डी एक्स हो गया सुना के बाद क्या सुनाया बोलो एफ एक्स लिए तो एफ एक्स के नीचे पूरा एरिया आ गया जी एक्स लिए तो जी एक्स के नीचे पूरा एरिया आ गया तो एफ एक्स पूरा में से अगर ये पोर्शन हटा देंगे तो ये ना पोर्शन बचेगा निकल गया एरिया ना थर्ड देखो थर्ड डायग्राम कैसा हो सकता है ना किस तरह से है मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन है मेरे पास ना अब ये एरिया फाइंड करना चाहते हैं ये एरिया नहीं यहाँ तक ये एरिया फाइंड करना चाहते हैं ये फंक्शन मान लेते हैं कि एफ वाई है क्या है एफ वाई वाई का फॉर्म रहेगा और हमको इसका एरिया फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है ये हम क्या हो तो बी है ये एरिया फाइंड करना है तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे एरिया इक्वल टू ए से बी ए से बी अरे क्या है एफ वाई है यहाँ पे क्या है एफ वाई तो क्या लिखेंगे इसको एफ वाई डी वाई तो एरिया निकल गया यस सर सेम टाइप से डबल रहेगा तो क्या करेंगे इसको ना और डायग्राम देख लो इस टाइप से ऐसा जो डायग्राम है यहाँ पे हमको इसका एरिया फाइंड करना है ना ये मान लो एफ वाई है और ये क्या है तो जी वाई है और ये से बी है इसका ये एरिया फाइंड करना है अगर एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा तो ए से बी एफ वाई क्या लिखे बोलो तो एफ वाई डी वाई माइनस एफ वाई ये तीन चक्कर आगे निकल गया और फिर ए से बी क्या लिखे बोलो जी वाई इसके नीचे का पूरा एरिया वैसे जीवा के नीचे का पूरा एरिया माइनस कर देते क्या निकल के बोलो तो ये क्वेश्चन निकल गया कोई क्वेश्चन है बोलो सुना आगे क्लियर है यस सर
हमको सिर्फ x एक्सिस तक का एरिया बताता है, ये नीचे x एक्सिस, अगर y एक्सिस रहेगा तो y एक्सिस तक का एरिया बताएगा। ऊपर लिमिट नहीं दिया रहेगा सर? नहीं, ऊपर लिमिट नहीं दिया रहेगा। हमको एरिया किसका निकालना है? इसका निकालना है, नीचे तक का लिमिट हमको चाहिए, है ना? और कोई क्वेश्चन बोलना है? क्लियर है? यस सर। यही हमको जो है चार डायग्राम यूज करके सब के सब अभी हम लोग क्वेश्चन बनाए। तो एरिया बाउंडेड मात्र इतना ही है? हाँ, तो एरिया बाउंडेड सीखने के लिए यही सीखना है। और डायग्राम हमको जो ग्राफ बनाना है, ग्राफ हम पहले बताया ग्राफ बनाने के लिए, yes. पांच तो बताते हैं ना ग्राफ बनाने के लिए, तो उससे हमको ग्राफ बनाना है। अब इस टाइप का ग्राफ बहुत सारा दिया रहेगा, ये मेन कंसेप्ट है कि हम इंटीग्रेट करेंगे, एरिया बाउंडेड की कितना बात है, अब पीछे वाला बात यूज करके हम लोग कभी क्वेश्चन बनाएंगे। ये सब क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा कैसे क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, कॉपी करो इसको।